चने ना ऑलमोस्ट सबके फेवरेट होते हैं। जब भी नवरात्रे आते हैं ना, तब तो स्पेशली चने और छोले की सब्जी बनती है। काले चने और सफ़ेद चने वैसे तो दोनों ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन सफ़ेद चने के कंपैरिजन में क्या आपको पता है, काले चने जो होते हैं ना वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यस, काले चनों से आपको ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा आयरन मिलता है। और मेरे घर में ना सभी को सफ़ेद वाले जो छोले होते हैं ना, जो चने होते हैं वो ज़्यादा पसंद है, बट मेरे को पर्सनली ना काले चने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सारे रेसिपीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज ना मैं काले चने की ऐसी सब्जी बनाने वाली हूँ ना कि ढाबे की किसी भी चने को या किसी भी छोले को ना फेल कर देगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने इसके लिए क्या करा था, ये मैंने 2-3 घंटे काले चने हैंगे तो वो मैंने सोक करके रख दिए थे और उनको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया, साफ पानी से, और मैंने उनको डाल लिया अपने कुकर में। यस, हम इसमें कुकर में लगाएंगे सीटी। और इसके अलावा मैंने क्या करा, इसमें तीन से, मतलब आप ऐसे तो आलू डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते अगर आपको नहीं डालने तो, बट मेरे को चने में आलू बहुत पसंद है तो मैंने आलू को अच्छे से छील के साफ करके और उसके बाद मैंने इसमें चने के साथ ही डाल दिया है ना। और इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक, इसमें मैंने एक हरी इलायची डाली है और थोड़ा सा एक दो आई थिंक लौंग डाली है। तो और भी अगर आपके पास खड़े मसाले हैं आप डालना चाहते हैं, जैसे दालचीनी है या कुछ और भी डालना चाहते हैं, तो वो आप डाल सकते हो इस दौरान। काली मिर्च भी डाल सकते हो। और इसमें हम उतना ही पानी रखेंगे जितने में ये बॉयल हो जाए, क्योंकि ये पानी हम सब्जी में यूज़ करने वाले हैं। तो ये मेक श्योर करना कि बहुत ज़्यादा पानी मत रखना, क्योंकि कि अगर आपको वो बाद में क्या हुआ कि पानी फेंकना पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। केवल उतना ही पानी रखना जितने में वो बॉयल हो जाए। उसको मैंने रख दिया है गैस पर और उसमें आ जाएगी जब तक सीटी। और इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ 2 प्याज, ठीक है, 3 टमाटर, इसमें 3 हरी मिर्च हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है तो इसलिए प्लीज़ डरना नहीं। और इसमें अदरक, यस अदरक मैंने अच्छा यूज़ किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ खूब सारा लहसुन, बट अगर आप लहसुन या प्याज नहीं खाते हैं तो आप सिंपल स्किप कर सकते हो, आप सिंपल जो ग्रेवी है वो आप टमाटर से बना सकते हो। और इसके अलावा मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, ये चॉपर है तो चॉपर में मैं जो प्याज है और इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक और क्या था अपना लहसुन, ये तीनों चीज़ें ना मैं चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी तो दरदरा दरदरा टाइप का वो पिस जाएगा। ऑल दो आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हो तो वो आपके ऊपर, अगर आपको मिक्सी में करना है थोड़ा सा दरदरा करके पीस लेना। ऑल दो मैं टमाटर जो है वो मैं अलग से मिक्सी में पीस रही हूँ है ना, उसकी मैं प्यूरी बना रही हूँ, बट ये आपके ऊपर है, आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ मेरे जो चने हैं वो बॉयल हो चुके हैं, देखो बिल्कुल, मतलब आलू तो अच्छा सा बॉयल हो गया है और चना भी अच्छा सा बॉयल हो गया है। अब मैंने इसके लिए ले ली है लोहे की कढ़ाई। जी हाँ, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया करो, आयरन मिल जाता है। और जैसे जैसे हम हैबिट डालते जाएंगे ना, तो फिर ये मतलब हमारे घर में ना कंटिन्यूसली फिर ये हैबिट फॉलो होती रहेगी। और मैं यूज़ करती हूँ मस्टर्ड ऑयल, तो मैंने थोड़ा सा डाला है मस्टर्ड ऑयल, बहुत ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है या कोई भी ऑयल नहीं डालना है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जीरा, हींग, थोड़ी सी सौंफ, बहुत ज़्यादा सौंफ नहीं, थोड़ी सी सौंफ। और ये हमारा जो हमने दरदरा करके जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो हमने चॉपर में चॉप की थी वो हम डाल देंगे। और इसको ना हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और इसका ना इसमें ये है कि जैसे जो प्याज है ना, अगर आपको, जैसे मैंने तो एक बड़ी, थोड़ा सा मीडियम साइज़ की थी, एक छोटी थी प्याज, बट अगर आपको डालनी है आप थोड़ा और प्याज भी डाल सकते हो अगर आपको सब्जी बढ़ानी है। और अगर आप चाहें तो आलू पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो, तो ये है आपके ऊपर है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप आलू नहीं डालो चने में। और यहाँ मैंने डाल दी थी, जब मेरी प्याज भुन गई ना तो मैंने इसमें डाल दी थी टमाटर प्यूरी। बहुत आसान है चने बनाना और ट्रस्ट में ये इतने अच्छे बने थे ना, मतलब आई हाय, मेरे को तो इतना मज़ा आया ना इसे खाने में। और जो टमाटर प्यूरी है ना वो जो हमने उसमें डाल दी है, उसको भी हम अच्छे से भूनेंगे, मतलब जो पूरा उसका जो वो है ना, जैसे तेल तो उतना नहीं आएगा क्योंकि तेल हमने उतना डाला ही नहीं, तेल ज़्यादातर उसमें ज़्यादा निकल जाता, बहुत ज़्यादा ज़्यादा तेल डालते हैं, बट ठीक है, हमारा ठीक है इतना। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। तो आप ये मेक श्योर करना, आपने हल्दी उधर भी डाल दी थी चने में और थोड़ा सा नमक भी डाला था उधर, तो यहाँ जब आप हल्दी और नमक डालें तो ध्यान से डालना कि बहुत ज़्यादा, ऐसा मत कर देना कि बहुत ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि उधर छोले में भी नमक है जो हमने बॉईल किए हैं। तो यहाँ पर ये मेरा मसाला गया है भुन, और जब आपका ये मसाला भुन जाएगा, इसमें मैंने डाल दिया अपने आलू और जो चने थे वो मैंने डाल दिए। और मेरे को ना पर्सनली आलू ना मोटे मोटे नहीं पसंद है, तो मैं इनको फोड़ रही हूँ बीच में, मैंने कहा फूट जा फूट जा फूट जा तो और चूंकि मैं इनको राइस के साथ खाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है।
बट इट्स अप टू यू, अगर आपको चपाती के साथ खाने हैं तो आप थोड़ा सा पानी कम रखोगे, है ना। अब देखो यहाँ पर मेरा बस बॉयल आ गया है और मेरे मुझे इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए थे, तो मेरे तो हो गए हैं छोले बनके तैयार। बस अब मेरा आने वाला लास्ट पार्ट जो कि है हरे धनिए वाला पार्ट, मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और यस मेरे हो गए छोले तैयार। और ट्रस्ट मी, ये इतने यम्मी लगते हैं ना छोले। आप एक बार काले चने की सब्जी खाओगे ना तो आपको वाइट वाले जो चने हैं ना वो इनके सामने फीके लगने लगेंगे। और मैंने ना स्पेशली, आप अगर इसको, अगर आपको नींबू पसंद है, मतलब मेरे को नहीं पता क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको नींबू पसंद नहीं होता सब्जियों में, बट मेरे को ना, मैंने इनके ऊपर जब मैंने इनको खाया था ना तो मैंने नींबू निचोड़ के खाया था और ये इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतने अच्छे लग रहे थे। मतलब 2-3 दिन से मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, बट जब मैंने ये बनाई ना तो मेरे को अब ये मन करने लगा कि हर दूसरे दिन ना मैं यही बनाऊँ। तो और हाँ, इसमें अगर आप आलू नहीं यूज़ कर रहे हो तो जो आपके चने हैं ना, थोड़े से चने आप बाहर निकाल के, मतलब जो बॉयल्ड वाले चने हैं उनको थोड़ा सा मैश कर सकते हो, जिससे क्या जो थिकनेस होगी ना सब्जी की वो बढ़ जाएगी। तो अगर जैसे अभी क्या है ना, अभी आलू ने थिकनेस दे दी सब्जी को, और अगर आपको थिकनेस चाहिए तो आप मतलब छोले से भी, थोड़े से छोले जैसे हम वाइट वाले छोले में करते हैं ना, उस तरह से आप थोड़े से मैश कर लो और उसके बाद सब्जी में डाल दो। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।